नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका मित्र प्रदीप गोड़े। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले ही थंबनेल में देखा कि आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ कि कोर्ट केस का या फिर एफआईआर दर्ज होने का सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, कोर्ट केस होने के बाद या फिर जेल जाने के बाद या फिर कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बाद क्या सरकारी नौकरी चली जाएगी? क्रिमिनल केस के चलते क्या सरकारी नौकरी मिल सकती है? कोर्ट केस होना या फिर एफआईआर दर्ज होना आजकल एक आम बात हो गई है। ज्यादातर लोग इससे पीड़ित हैं। ऐसे में जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, जाहिर सी बात है उनके मन में एक सवाल उठता होगा कि कोर्ट केस का या फिर एफआईआर दर्ज होने का सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। आइए जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है और उसके विरुद्ध कोर्ट केस हो जाता है या एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो कोर्ट केस हो जाने से या उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो जाने मात्र से ही उसकी सरकारी नौकरी नहीं चली जाएगी, बल्कि उसकी सरकारी नौकरी पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक तो नॉर्मल क्राइम और दूसरा हीनियस क्राइम। यहाँ पर हीनियस क्राइम वो क्राइम होते हैं जिसमें 3 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, और जिन अपराध में 3 वर्ष या इससे कम की सजा का प्रावधान है वो नॉर्मल क्राइम होते हैं। तो यहाँ पर यह देखा जाएगा कि उस व्यक्ति ने कौन सा क्राइम किया है। यदि नॉर्मल क्राइम किया है तो जाहिर सी बात है उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल क्राइम में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हीनियस क्राइम में पुलिस के पास यह पावर होती है कि वह आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं। यदि उस व्यक्ति ने कोई हीनियस क्राइम किया है और उसकी गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके विभाग द्वारा उसको सस्पेंड तो जरूर कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी नौकरी नहीं जाएगी। वह जेल से बेल होने के बाद, जमानत होने के बाद वापस आएगा, उसके बाद अपने विभाग से अपील कर सकता है कि वो भी मुलजिम है ना कि मुजरिम, उस पे आरोप लगाया गया है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। और कानून यह कहता है कि जिस मुलजिम पर अपराध सिद्ध ना हुआ हो उसको मासूम या निर्दोष ही माना जाएगा। इस आधार पर उसको सरकारी नौकरी वापस मिल जाएगी, वह बहाल हो जाएगा। उसके बाद मुकदमे का परीक्षण होगा। ऐसे में उसके विभाग द्वारा मुकदमे की एक कॉपी की मांग की जा सकती है। विभाग मुकदमे को वॉच कर सकता है। जब आपके ऊपर अपराध सिद्ध हो जाएगा तो आपकी नौकरी जा सकती है, लेकिन जब तक आपके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है और न्यायालय में ट्रायल हुआ है तब तक सरकारी नौकरी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सो फ्रेंड, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।